बैठो है। थारे घर में रहू निरंतर, थारो ही भोग लगाऊं, मर गिर धर लाल थारो न चायो न चूरे, मारा गिर धर लाल थारो न चायो न चूरे, मारा नट राजा थारो न चायो न चूरे, मारा नट राजा थारो न चायो। करताल बजा के गाओ, मारा गिर धर लारो न चायो न चूरे, मारा गिर धर लारो न चायो न चूरे, मारा नट राजा थारो न चायो न चूरे, मारा नट राजा थारो न चायो। कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वांग बनाऊं, जा कपड़ा कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वांग बनाऊं, हे जैसो बोल बुलावे मुख ते, जैसो बोल बात सुनाऊ सुनाऊ, मर गिर धर लाल थारो न चायो न चूरे, मर गिर धर लाल थारो न चायो न चूरे, ओ मारा नट राजा थारो न चायो न चूरे, में एक पंक्ति बड़ी सुंदर है। घर का प्राणी कहो ना माने, मन मन खुशी मनाऊं, घर का प्राणी कहो ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। बच्चे मानते ही नहीं, मनमानी करते, पति सुनते ही नहीं मनमानी करते, पत्नी सुनते ही नहीं मनमानी, वैष्णव को क्या होगा? वो एक बार बात कहेगा, घर के लोग नहीं मानेंगे तो मन ही मन खुश हो जाएगा, बढ़िया है, नहीं मानने इनमें आ सकती तो भी नहीं होगी मेरी, मत मानो, करो जो तुमको बढ़िया लगता है। घर का प्राणी कहो ना माने, मन मन खुशी मनाऊं, घर का प्राणी कहो ना माने, मन मन खुशी मंगल विधान में, थारे इस मंगल विधान में, थारे इस मंगल विधान में, थारे इस मंगल विधान में, मैं काहे टांग अड़ाऊं,
मारा गिर धरला रोग लगावे ओढ़ सिरख सो जाऊं जो तू तन के रोग लगावे वैष्णव का स्वरूप कैसा है बुखार आ गया तो यूं सोचेगा कि ओहो पंडरीनाथ भगवान करें कुछ दिन आराम कर बेटा बुखार चढ़ाया ठाकुर जी ने खांसी जुखाम हो गया ठाकुर जी कह रहे हैं कछु दिन मौन रह ले बोले मत हर विधान को ठाकुर जी की कृपा माने जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ सिरख सो जाऊं जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ सिरख सो और ये पंक्ति बहुत अच्छी है क्या जो तू काल रूप बन आवे जो तू काल हे पंडरीनाथ यदि आप मेरी मृत्यु बनकर के मेरे सामने आ गए तो जो तू काल रूप बन आवे जो तू काल रूप बन आवे तो लपक गोद में आऊं मैं आऊं मारा गिर धरला हारो न चारो मारा विठल लाल थारो नचायो नाचो रे मारा विठल लाल थारो नचायो नाचो ओ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचो रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचो ओ मारा गिरधर ठाकुर जी अटेंशन सी करें 24 घंटा उनमें ही लगे रहो उनमें लगे रहो मतलब उनको याद रखो।